नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर की रिवीजन का ये हमारा सातवां लेक्चर है। इस वीडियो में हम दिसंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। पीडीएफ देखो आप टेलीग्राम चैनल के अलावा अपनी जो वेबसाइट है onlyias.in, फिर से बोलता हूँ onlyias.in, इस वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड पर क्लिक करके सारी रिवीजन वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इस वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप पॉलिटिकल साइंस कोर्स और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो video.onlyias.in पर जाके। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो onlyiassales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2018 का इनाग्रेशन हुआ कोहिमा में। हर साल देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट होता है नागालैंड में 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से ही क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर को ही नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच ये फेस्टिवल चलता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। 2013 में डेज की संख्या को इंक्रीज किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही डेट एक प्रकार से निश्चित सी हो गई है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच चलता है ये फेस्टिवल। ये फेस्टिवल जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल, एक पक्षी के नाम पे है, हॉर्नबिल पक्षी। इस पक्षी की बहुत ही ज़्यादा इज्जत है नागालैंड में, उत्कृष्टता की वजह से और अलर्टनेस की वजह से। वैसे देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अगर यूपीएससी पूछे कौन से फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जाना जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। इस फेस्टिवल की सहायता से नागा कम्युनिटी के लोग उनकी जो बहुत ही रिच विरासत है या फिर रिच ट्रेडिशंस हैं उनको रिवाइव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं और प्रमोट करते हैं। इस फेस्टिवल से हमें लोकल कल्चर, लोकल पहनावा, लोकल फूड हैबिट्स, लोकल रहन सहन के बारे में पता लगता है। इस फेस्टिवल को वैसे तो देखो ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन सपोर्ट मिलता है यूनियन गवर्नमेंट से भी। सबसे पहला हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था 1 दिसंबर 1963 को। उस समय हॉर्नबिल फेस्टिवल का इनाग्रेशन हुआ था राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बात करें छऊ डांस के बारे में। ये एक परंपरा है ईस्टर्न इंडिया की और थीम होती है इस डांस में महाभारत, रामायण या फिर जो लोक कथाएं हैं। मेनली देखो तीन स्टाइल्स हैं छऊ डांस के। पहला स्टाइल है सिराईकेला झारखंड, दूसरा स्टाइल है पुरुलिया वेस्ट बंगाल और तीसरा स्टाइल है मयूरभंज उड़ीसा। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है कि छऊ डांस के कौन कौन से ये सब टाइप्स या फिर सब स्टाइल्स हैं। तो तीन सब स्टाइल्स हैं छऊ डांस के, सराईकेला झारखंड, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, मयूरभंज उड़ीसा। पहले दो जो सब स्टाइल हैं उनमें मास्क यूज किया जाता है। सराईकेला झारखंड में मास्क यूज किया जाता है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में भी मास्क यूज किया जाता है और इसी मास्क को GI टैग मिला है। छऊ डांस देखो जो रीजनल फेस्टिवल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चैत्र पर्व, उन सबसे अच्छी तरह से कनेक्टेड है, काफी क्लोजली कनेक्टेड है। रात को ये डांस परफॉर्म किया जाता है ओपन स्पेस में और डांस के दौरान जो लोकल म्यूजिक या फिर जो परंपरागत म्यूजिक है, परंपरागत धुन पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। एक बात आप ये भी याद रखिएगा, 2010 में छऊ डांस को यूनेस्को's रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया था। यानी 2000 में यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया था छऊ डांस को। आप एक बार पिक्चर भी देख लीजिए, ये है छऊ डांस। अब देखो यूपीएससी जिस प्रकार से काफी डीप में जाके क्वेश्चन पूछने लगी है, तो क्वेश्चन एक इस प्रकार से बन सकता है, क्या जो तीनों स्टाइल्स हैं छऊ डांस के उन तीनों में मास्क का यूज होता है या नहीं? नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया कि देखो दो स्टाइल्स में, छऊ डांस के दो स्टाइल्स में मास्क का यूज होता है, सराईकेला झारखंड और पुरुलिया वेस्ट बंगाल सब स्टाइल्स में, जबकि मयूरभंज उड़ीसा जो सब स्टाइल है इस छऊ डांस में मास्क का यूज नहीं किया जाता है, यानी मुखौटा नहीं पहना जाता है। तो इस प्रकार से हमने 12 जून का आर्टिकल डिस्कस किया छऊ डांस पर। आज स्पेसिफिक आर्टिकल आया है मयूरभंज छऊ डांस पर। इस डांस फॉर्म का देखो एक लंबा इतिहास है। ओरिजिनली ये एक ट्राइबल डांस था, ये ओरिजिनेट होता है उड़ीसा के मयूरभंज के फॉरेस्ट में 18वीं शताब्दी में,
लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में इस डांस को मार्शल आर्ट फॉर्म का स्टेटस मिल गया। लेकिन बाद में जब रॉयल पेट्रोनेज मिलना स्टार्ट हुआ इस डांस को, तब इस डांस फॉर्म को प्रॉपर डायरेक्शन मिली, प्रॉपर अटेंशन मिली और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया के आर्ट एंड कल्चर की श्रेणी में ये डांस की फॉर्म जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होकर इमर्ज हुई। वैसे धीरे धीरे मयूरभंज चाउ डांस ने अपने मार्शल आर्ट के करेक्टरिस्टिक्स को पीछे छोड़ दिया और अब फिर से ये डांस की फॉर्म में ही प्रचलित है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल कमसले डांस के बारे में है। एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, ये है कमसले डांस। ये एक प्रकार का ग्रुप डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक में मैसूर, नंजनगुडू, कोलेगला, बेंगलोर के आसपास के एरियाज में ये ग्रुप डांस परफॉर्म किया जाता है मैन के द्वारा। ये एक प्रकार से फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है भगवान महादेश्वर के फॉलोअर्स के द्वारा। कमसले देखो एक प्रकार का ब्रास का बना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होता है और कमसले को बीसु कमसले के नाम से भी जाना जाता है। इस रीजन में हालू कुरुबा कम्युनिटी के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान महादेश्वर की पूजा करते हैं, तो इसी चीज़ से संबंधित है ये डांस, ये नृत्य कमसले नृत्य। ज़्यादातर जो डांसर्स हैं वो हालू कुरुबा कम्युनिटी से ही लिए जाते हैं। डांस किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, भगवान शिव या फिर भगवान महादेश्वर की प्रेज में म्यूजिक बजता है और उसी म्यूजिक की धन पर ये कमसले डांस परफॉर्म किया जाता है। ये डांस एक प्रकार से देखो दीक्षा का पार्ट है, स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा जो दीक्षा दी जाती है उसी का पार्ट है ये कमसले डांस। मेन क्वेश्चन देखो ये आ सकता है कि कहाँ पर प्रचलित है ये डांस। कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर, आसपास के एरिया में प्रचलित है ये डांस। नेक्स्ट आर्टिकल इलम वैली के बारे में है। इलम वैली देखो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा जो प्रोविंस है उस प्रोविंस में है ये इलम वैली। इलम वैली का रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफ़ी है हिंदुओं के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुओं के द्वारा विश्वास ये किया जाता है भगवान राम ने अपने 14 ईयर्स के वनवास के दौरान यहाँ पर समय बिताया था और मेडिटेशन किया था। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा विश्वास ये किया जाता है प्रीवियस बुद्धा ने अपने प्राण त्यागे इस इलम वैली में। तो अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, पाकिस्तान के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वैली की फेंसिंग की जाएगी और यहाँ पे एक हेरिटेज पार्क इस्टाब्लिश किया जाएगा और टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा ताकि हिंदू और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आ सके बिना किसी डर के। क्वेश्चन यूपीएससी देखो इलम वैली के बारे में पूछ सकती है। इलम वैली रिसेंट में सुर्खियों में थी, कहाँ पर है, इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ सकी है। 2014 में पाकिस्तान की ही स्वात वैली के बारे में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो इलम वैली सुर्खियों में है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में है, यहाँ पर हेरिटेज पार्क पाकिस्तान बनाने की सोच रहा है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेड सी स्क्रोल्स के बारे में है। स्क्रोल्स का क्या मतलब है यहाँ पर? देखो पुराने समय में पेपर तो हुआ नहीं करता था। मान लीजिए कुछ लिख दिया कपड़े पर, यानी कोई हस्तलिपि है, उसको स्टोर करके रखना है, तो इस प्रकार की चीज़ से स्टोर करके रखा जाता था, इन्हें कहा जाता है स्क्रोल। 1947 से लेके 1956 के बीच, 1947 से लेके 1956 के बीच इस प्रकार के 900 स्क्रोल्स हैं, इस तरह के 900 स्क्रोल्स डिस्कवर किए गए थे। कहाँ से? डेड सी है, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर डेड सी है। तस्वीर देख लीजिए आप एक बार, ये डेड सी की तस्वीर है। डेड सी के ऊपर कुमरान केव्स में ये 900 स्क्रोल्स मिले थे 1947 से लेके 1956 के बीच। क्या था इन स्क्रोल्स में? इन स्क्रोल्स में देखो हेब्रू बाइबल की सबसे पुरानी एग्जिस्टिंग कॉपीज हैं, 3rd century BC से लेके 1st century AD की। अभी क्या कंटेक्स्ट है ये डेड सी स्क्रोल्स सुर्खियों में फिर से क्यों आए हैं? कंटेक्स्ट देखो ये है, इसराइल के सेकुलर्स ने एक डेड सी स्क्रोल को
जिसे पहले डेसिफर नहीं किया जा सका था, यानी जिस लैंग्वेज में वो था स्क्रोल, उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया जा सका था, अब उसे डेसिफर कर दिया है। तो लेटेस्ट डेसिफर स्क्रोल से ये पता लगता है कि उस समय ज्यूज़ के द्वारा 364 दिनों का कैलेंडर माना जाता था, लेकिन आज के समय में ज्यूज़ के द्वारा लूनर कैलेंडर माना जाता है एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। एक और चीज़, उस समय ज्यूज़ के द्वारा एनुअल वाइन फेस्टिवल और ओलिव हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते थे, लेकिन आज के समय में ज्यूज़ के द्वारा ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं। तो ये हमने आर्टिकल से डिस्कस किया डेड सी स्क्रोल्स के बारे में। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अडोप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 10 मोनूमेंट्स को ऐड किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम को देखो लॉन्च किया गया था पिछले साल 27 सितंबर को। ये एक कोलाबरेटिव एफर्ट है, यानी मिला जुला एफर्ट है काफ़ी सारी एंटिटीज़ का, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मकसद क्या है इस स्कीम को लॉन्च करने का? इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद देखो ये है, हमारे देश में जो हेरिटेज साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लाल किला, ताजमहल, इन हेरिटेज साइट्स के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज़ को अच्छे से मेंटेन किया जाए, ताकि हमारे देश में टूरिज़्म के पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया जा सके, और इसके साथ साथ ये जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं वो भी प्रिजर्व रहें और कल्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बनी रहे। इस प्रोजेक्ट में देखो जिन मोनूमेंट्स को शामिल किया जाता है उन मोनूमेंट्स के आसपास साफ़ सफाई पर खासा ध्यान दिया जाता है। साफ़ सफाई के अलावा इल्यूमिनेशन, मतलब प्रॉपर लाइटनिंग, वाईफाई, वो मोनूमेंट्स आसानी से एक्सेसिबल रहें टूरिस्ट के लिए, इन सब बातों पर फोकस किया जाता है। और एक खास बात, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोई फंडिंग नहीं देती इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। आह्वान किया जाता है प्राइवेट कंपनी से, पब्लिक कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, सिविल सोसाइटी के लोगों से, इंडिविजुअल से, कि वो अपनी सभ्यता को प्रिजर्व करने के लिए आगे आएं और मोन्यूमेंट्स को अडोप्ट करें। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके तहत बड़ी कॉरपोरेशंस के द्वारा मोन्यूमेंट्स को अडोप्ट किया जा सकता है। तो हाल ही में जिन 10 मोन्यूमेंट्स को अडोप्ट किया गया है उनकी लिस्ट इस प्रकार से है। नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पूछेगी यूपीएससी तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछेगी, ये नहीं पूछेगी किन मोन्यूमेंट्स को अभी तक अडोप्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल प्रयागराज कुंभ मेला के बारे में है। 15 जनवरी से स्टार्ट होगा प्रयागराज में कुंभ का मेला और चलेगा 4 मार्च तक। देखो रीजंस के बारे में यूपीएससी नहीं पूछेगी, क्योंकि मेला क्यों लगता है वो सब मिथिकल चीज़ें हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कहाँ कहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। 12 साल में देखो 4 बार लगता है कुंभ का मेला, और लोकेशन जो है वो रोटेट होती रहती है, यानी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर 12 साल बाद लगता है कुंभ का मेला। और कौन सी 4 लोकेशंस पर कुंभ का मेला लगता है? हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में है गंगा नदी के किनारे पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में है शिप्रा नदी के किनारे पर, नासिक महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी पर, और सबसे लास्ट में प्रयागराज जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर गंगा यमुना और मिथिकल सरस्वती के संगम पर लगता है कुंभ का मेला। तो इस इन्फॉर्मेशन पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया कुंभ के मेले के बारे में। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल पैका रिबेलियन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? गवर्नमेंट प्लान कर रही है पैका रिबेलियन की याद में कॉइन रिलीज किए जाएं और पोस्टेज स्टैंप भी रिलीज की जाएं। हम देखो बेसिक्स की बात करें पैका रिबेलियन के बारे में, पैका रिबेलियन ऑलमोस्ट 200 साल पहले हुई थी 1817 में। उस समय बक्सी जगबंधु, जिनका नाम विद्याधर महापात्रा है, इनके नेतृत्व में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। इसे पैका रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। देखो पिछले 1-2 सालों में पैका रिबेलियन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई है। एक तो 200 साल पूरे हुए हैं, ये एक रीज़न है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पैका रिबेलियन से संबंधित जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको सम्मानित किया था। इवन अरुण जेटली ने भी बजट में ये कहा था कि पैका रिबेलियन को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, याद किया जाएगा। तो इस वजह से पिछले 1-2 सालों में काफ़ी सुर्खियों में आई है ये रिबेलियन। काफ़ी तबकों से ये मांग भी उठ रही है
कि अभी 1857 की क्रांति को जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है, उसकी जगह पैका रिबेलियन को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाए। रीजंस क्या थे पैका रिबेलियन के? पैका देखो उड़ीसा में लैंड ओनिंग मिलिशिया थे, फॉर एग्जांपल उनके पास लैंड था, वो खेती करते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो जमींदार के लिए राजा के लिए लड़ाई भी लड़ते थे। लेकिन 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, तो उस समय जो राजा थे खुर्दा के उनका रूल ख़त्म हो गया, और उनके रूल ख़त्म होने के साथ ही जो पैकास की प्रतिष्ठा थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, क्योंकि जब तक राजा थे तब तक उनके पास लैंड था और राजा उनको बुलाया करते थे लड़ाई के लिए, लेकिन अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इस्टाब्लिश हो गया था तो उनको बुलाना लड़ाई के लिए बंद कर दिया गया था। और उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक कमीशन का गठन किया वाल्टर ईवर की अध्यक्षता में। इस कमीशन का काम ये सौंपा गया कि आप एनालाइज कीजिए, क्या ये जो लैंड दिया गया है पैकास को, क्या इनसे ये लैंड वापस ले लिया जाए या फिर नहीं। इस कमीशन ने कहा कि हाँ, पैकास से जो लैंड इनको दिया गया है वो वापस ले लिया जाए। तो इस डिसीजन के बाद पैकास ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। लेकिन देखो, लैंड लेना एकमात्र रीजन नहीं था, और भी काफ़ी सारे रीजन्स थे, जैसे नमक के दाम उस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, दूसरा अंग्रेज़ों की एक्सटोर्शनिस्ट पॉलिसीज, लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मांगते थे ब्रिटिशर्स, और कहते थे कि हम इस फॉर्म में नहीं लेंगे, दूसरी फॉर्म में लेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ओप्रेशन वाली पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की। तो इस वजह से ये रिबेलियन हुआ था, 1817 में स्टार्ट हुआ, और जो लीडर थे इस रिबेलियन के बताइए कौन, बक्सी जगबंधु, उन्होंने सरेंडर कर दिया 1825 में। तो ये हमने पूरी जानकारी डिस्कस की पैका रिबेलियन के बारे में। चलते हैं आगे, आर्टिकल है फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम के बारे में। कंट्री का पहला म्यूजिक म्यूजियम सेटअप किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की सहायता से, कहाँ पे, थिरुवयारू तमिलनाडु में। यहाँ पे देखो, थिरुवयारू एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे देश का पहला म्यूजिक म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो जगह है वो बर्थ प्लेस है संत त्यागराजा का। कार्नेटिक म्यूजिक की त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति में एक नाम है त्यागराजा का, दूसरा है मुथास्वामी दीक्षितर का, और तीसरा नाम है श्यामा शास्त्री का। तो त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराजा, और उनका बर्थ प्लेस है थिरुवयारू, और यहीं पर देश का पहला म्यूजिक म्यूजियम इस्टाब्लिश किया जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल तानसेन सम्मान के बारे में है। फेमस सितार प्लेयर हैं मंजू मेहता, इनको म्यूजिक के फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। हम थोड़ा सा जान लेते हैं नेशनल तानसेन सम्मान के बारे में। ये देखो एक म्यूजिकल अवार्ड है, वो म्यूजिशियन जो हिंदुस्तानी म्यूजिक में काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है हर एक साल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और हर साल तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश के कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, कहाँ पर, ग्वालियर में। तानसेन की याद में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तानसेन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। तानसेन ने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को डेवलप करने में। शुरुआत में तानसेन को पेट्रोनेज दिया था रेवा के किंग राजा रामचंद्र सिंह ने, लेकिन जब तानसेन रेवा के राजा रामचंद्र सिंह की कोर्ट में अपना म्यूजिक प्रेजेंट करते थे तो अकबर को पता लगा, और अकबर ने मैसेंजर भेजा राजा रामचंद्र सिंह के पास और कहा कि आप तानसेन को हमारे पास भेज दीजिए, तानसेन अगर हमारी कोर्ट में म्यूजिक प्रेजेंट करेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को भेज दिया था अकबर की कोर्ट में, और बाद में अकबर के जो 9 नवरत्न हैं उनमें से एक बने तानसेन। तानसेन को याद किया जाता है अपनी ध्रुपद कंपोजिशन के लिए, उन्होंने कई सारे नए राग बनाए, और 2 उनकी क्लासिक बुक्स जो फेमस है म्यूजिक पर, एक है श्री गणेश स्त्रोत और दूसरा है संगीता सार। तो ये हमने तानसेन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।